इसके अलावा तिलोर के शिकार पर पाबंदी के हवाले से रहीम यार खान में भी सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में मकामी शहरियों और चोलिस्तानी खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तिलोर के शिकार पर पाबंदी के खात्मे की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। शेख खलीफा ऑडिटोरियम में होने वाले सेमिनार के शुरका ने तिलोर के शिकार पर पाबंदी को भारतीय साजिश करार दिया। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं देख सकता। मुकर्ररीन ने शिकार पर पाबंदी को मुस्तरद करते हुए कहा कि कवानीन बनाने का मकसद अवाम की भलाई और मुफाद का तहफ्फुज़ होता है, उन्हें माशी बदहाली की तरफ धकेलना नहीं। गैर कानूनी लोग किसी को शिकार करने नहीं दे रहे, अगर वो नहीं आने देंगे तो लोग एक भी नहीं बच सकते। सारे हमारे जो पाकिस्तानी भाई शिकारी वो खत्म कर रहे हैं। मुकर्ररीन का कहना था कि अरब भाइयों ने जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों के जरिए आवाम का मयार जिंदगी बदल दिया है। सेमिनार में तिलोर के शिकार पर पाबंदी के खात्मे और अरब भाइयों को पाकिस्तान की आमद की दावत देने की करारदाद भी मंजूर की गई।